हास्य नाटक मुंशी इतवारी लाल और बाजबहू, लेखक नरेश मिश्र की नौटंकी देख रहे। एक हजार एक सौ मर्तबा समझा चुका हूं, पर वाह रे तेरिया कान पर जू नहीं रेंगती। क्या बात है बाबूलाल जी, सुबह सुबह लाल टेन हो रहे हो, बैठक में आओगे या अंदर ही भाषण देते रहोगे? आया सतीश बाबू, भाषण नहीं दे रहा हूं, अपने कर्म को रो रहा हूं। मगर इस घर में मेरी कोई सुने तब ना। बताइए, एक हजार एक सौ एक मर्तबा कोई बात कहूं तो उसका असर क्यों नहीं होता? वाकई यह ताज्जुब की बात है, हजार बार कहने से तो मंत्र से भी सिद्धि हो जाती है। आप ही देखिए ना सतीश बाबू, मैंने हजार बार अपनी बहू से कह दिया कि सुबह सुबह जब मैं तिजोरी खोलकर लक्ष्मी मैया के दर्शन करता हूं, उस वक्त मेरे सामने ना पड़ा करे। पर वह है कि बाबूजी चाय कहकर छिपकली की तरह सामने कूद पड़ती है। कसम भगवान की, इतना गुस्सा आता है कि मेरे माथे में चाय की केतली उबलने लगती है। कमाल है जनाब, कोई सुबह सुबह चाय न मिलने पर गुस्साता है और आप चाय देखकर भड़कते हैं। हाँ, मैं भड़कता हूँ, मुझे तिजोरी खोलते वक्त बहू का आना कतई पसंद नहीं। क्यों, क्या वह तिजोरी पर हाथ साफ कर देती है? नहीं जी, आप तो जानते हैं, साल के साल गुजरते जा रहे हैं पर उसकी कोख फलने का नाम नहीं लेती। घरवाली कहती है कि वह बाज है, मोहल्ले वाले उसकी छांव बरकाने लगे हैं। ऐसा अशुभ चेहरा देखने को क्या मैं ही बचा हूं? अच्छा, तो यह बात है, मैंने तो सोचा था कि शायद लड़के बहू में बनती नहीं है। बनती क्यों नहीं? अरे सतीश भैया, बनती तो ऐसी है कि गुड़ और चीटा मात खा जाए, पर भैया उसर में कहीं डूब जमती है। मेरी आंखें तरस गई चांद से पोते का मुंह देखने के लिए, वह दिन आता तो मैं क्या नहीं करता। पर किस्मत को क्या कहूं, आप भी बाबूलाल जी मर्द होकर किस्मत का रोना रोते हैं। जो किस्मत पर काबू न पाए वह भी कोई इंसान है। बहू बाज निकल गई तो उसका क्या रोना, उमक कर लड़के की दूसरी शादी कर लीजिए। देखिए, एक लड़की मेरे निगाह में है। यही तो रोना है सतीश बाबू, लड़के पर अपना काबू जो नहीं है। वह दूसरी शादी की बात सुनकर ऐसा मोनी बाबा बन जाता है गोया मुंह में जबान ही ना हो। वाह बाबूलाल जी, आप क्या लड़के को बेशर्म समझते हैं जो वह आपके सिर चढ़कर हामी भरे? आप शादी का डोल तो बैठाइए। क्या डोल बैठाऊं, ऐसे में कौन भला आदमी आंख मूंद कर लड़की देगा? पड़ोसी है, समाज है, और सबसे ऊपर मुंशी इतवारी लाल की लताड़ का डर है। देखिए बाबूलाल जी, समाज और मुंशी इतवारी लाल को तो अपने अंगूठे पर रखिए, रही लड़की की बात, सो मेरे निगाह में आपकी बिरादरी की एक लड़की है, रूप गुण में लक्ष्मी है, पर हाँ जरा गरीब है। ऐसा तो फिर देर क्या है सतीश बाबू, नेकी और पुछ आप बात क्यों नहीं चलाते? बात तो पक्की ही समझिए, बस
आप एक बार चलकर लड़की देख लीजिए। लड़की क्या है, कच्चे दूध का कटोरा समझिए। तो चलिए आज ही चलता। चलिए, पर एक बात समझ लीजिए, लड़की गरीब घर की है, इसलिए कुछ मिलने का ढोल नहीं है। आप मुझे क्या पैसा का लालची समझते हैं? नहीं, मैं आपको साधु समझता हूँ, पर सारी बात पहले ही साफ कर लेना अच्छा रहता है। और हाँ, अच्छी बहू के लिए अगर आपके कुछ रुपए खर्च हो जाए, मेरा मतलब है गरीब लड़की वाले की कुछ मदद करनी पड़े, तो आप तैयार हैं? जी, आप चाहे तो वहीं भी करूँगा। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ दोस्तों की मदद और खिदमत करना चाहता हूँ। पर हम करते हाथ जलते हैं, इसलिए सारी बात दो टुक कह दी, नहीं तो बाद में आप मुंशी जी के सामने रोना रोने लगेंगे। मुंशी जी को छोड़िए सतीश बाबू, वो तो हमेशा लेक्चर झाड़ते रहते हैं, सातवें आसमान की बातें करते हैं, उन्हें कभी कभी आदमी की कसक नहीं सालती। मैं इस बारे में उन्हें बताना भी नहीं चाहता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो थोड़ा सा जायका था, तड़का अभी बाकी है। सुनते रहे और सुनाते रहे मुंशी इतवारी लाल और बाज बहू। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, इसे अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।